जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदू सेना जिंदाबाद, हिंदू सेना जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद जिंदाबाद, माता की जय, भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, देश के गिरदारों को जूते मारो सालों को, देश के गिरदारों को जूते मारो सालों को, आवाज दो एक भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख होता जिंदाबाद, आवाज दो एक आवाज दो एक। आप मीडिया वाले हजरात जो आप हमारी दुख की घड़ी में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आप हमारे साथ आए हो। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी डांगरी इलाके में एक अलमनाक हादसा हुआ है जिसमें हमारे नौजवान मारे गए हैं, तो हम इस सानिये की कड़ी मजम्मत करते हैं। मैंडर पूरी आवाम इस दुख की घड़ी में डांगरी वाले जितने हमारे भाई हैं उनके साथ हम खड़े हैं शाना बशाना और खड़े रहेंगे। ये बहुत दुख हुआ है जब हमने सुना कि बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हमारे सतीश शर्मा साहब भी वहाँ उन लोगों के साथ खड़े रहे और पूरा परिवार, और हमारे गवर्नर साहब भी आए, सब लोग गए वहाँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चंद लोग जो हैं हमारे हिंदू मुसलमान और सिख जो भाई हमारी स्टेट में एक गुलदस्ता बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई माँ का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि इस भाईचारे को खराब कर सके। ये गुलदस्ता जो बना है ये बना रहेगा, इसके बाद भी बना रहेगा। हम कड़ी मजम्मत करते हैं इसकी। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं सरकार को चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और मैं अपने गवर्नर साहब से भी अपील करता हूं कि वो इस सानिये की तहकीकात करवाएं और जो लोग इसमें पाए जाएं उनको बख्शा ना जाए, फांसी दी जाए, उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। आज उसी वजह से हमारी मेंडर की ये जो करीम जमा हुई है, जो बंद काल थी, हमारी मेंडर की जितनी आवाम है इसने आज मेंडर पूरा बंद करके दिखाया कि हम इस दुख की घड़ी में रजौरी ढांगरी के इलाके के जो हमारे भाई मारे गए हैं हम उनके साथ हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मैं ज्यादा कुछ डांगरी में परसों जो ये हादसा हुआ था, इंसानियत का कत्ल किया गया, उस सिलसिले में तमाम जो है मेंडर की जो लोग थे
उन्होंने कॉल दी थी कि कल व्यापार मंडल मेंडर बंद रहेगा, ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों ने भी कॉल दी थी कि बंद रहेगी वो, और आज पूरी तरह वो हमारी कॉल सक्सेसफुल रही। और ये एक पैगाम गया, हमने जो ये कॉल दी थी ये पैगाम गया कि हिंदू मुसलमान का यहाँ पे भाईचारा है और रहेगा, और जो हमारा भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। कि रजौरी पुंछ में ये मिसाल है, हिंदुस्तान में ये मिसाल है कि जो रजौरी पुंछ में है हिंदू मुसलमान का भाईचारा है वो रहेगा ना, वो ख़त्म हो सकता है। आज मेंढर के लोगों ने भी, कल पुंछ बंद था और मेंढर की आवाम ने भी ये साबित करके बताया कि हमारा भाईचारा है, और इस दुख की घड़ी में सारे हिंदू मुसलमान सिख भाई सारे शामिल थे इस दुख की घड़ी में। आज हमने अफसोस किया कि वो जो हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा, वो नहीं होना चाहिए था। और हमारे जो लोग हैं ये यकजा लोग हैं, और हिंदू यहाँ पे मिनोरिटी में है, लेकिन हमारा आज तक ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा भाईचारा कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और हम ये उन जो चंद नासिर जिन्होंने ये हादसा किया है उनको ये पैगाम देना चाहते हैं आप मीडिया हजरात की तरफ से कि आप हमारा भाईचारा कभी ख़त्म नहीं कर सकते, और आप ये जो हरकतें कर रहे हैं और ये कायदों वाला काम आप मत करो। सामने से अगर आओगे हमारे साथ हम डट के मुकाबला करेंगे आपके साथ, और आगे भी करते रहे और इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत